है और वीर सावरकर की जयंती। दरअसल इन दिनों विनायक दामोदर सावरकर इसलिए भी खास हो जाते हैं जब राजनीतिक दलों के नेता वीर सावरकर को लेकर बयान दे रहे हैं। आरएसएस और भाजपा उन्हें क्रांतिकारियों का सिरमौर बताती है। देखिए खास रिपोर्ट। सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिल मिलाहट, सागरा प्राण तड़मड़ला। वीर सावरकर अभी सुर्खियों में है। हाल ही में विनायक दामोदर सावरकर को लेकर राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस और बीजेपी के विरोधी बयान आए। दरअसल पाठ्य पुस्तकों में जहां पूर्ववर्ती प्रदेश की बीजेपी सरकार ने विनायक दामोदर का पाठ जोड़ा था, लेकिन कांग्रेस ने दलील दी कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी और वो स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। यही वजह है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने पाठ्यक्रम से उनका पाठ कटा दिया। 28 मई इसी दिन सावरकर का जन्म हुआ था। आइए आपको दिखाते हैं सावरकर से जुड़े कुछ ऐतिहासिक तथ्य। आरएसएस और भाजपा सहित इतिहासकारों की माने तो विनायक दामोदर सावरकर का महाराष्ट्र में जन्म हुआ था। वे नासिक जिले के भगूर गांव में 28 मई 1883 को पैदा हुए। छात्र जीवन में तिलक के समाचार पत्र केसरी का प्रभाव पड़ा और 1905 में सावरकर ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आंदोलन चलाया। वहीं तीनों चापेकर बंधुओं को फांसी पर उन्होंने एक मार्मिक कविता लिखी, फिर उसे पढ़कर खुद भी रोए। पिताजी ने उन्हें चुप कराया। सावरकर सशस्त्र क्रांति के पक्षधर रहे थे। विदेश जाकर वहां से भारत में शस्त्र भेजने की उनकी इच्छा थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा से छात्रवृत्ति लेकर वो ब्रिटेन चले गए और लंदन में इंडिया हाउस बना उनकी गतिविधियों का केंद्र रहा। वहां रहने वाले कई छात्रों को उन्होंने क्रांति के लिए प्रेरित किया और छात्रों में थे करजन वायली को मारने वाले मदन लाल धींगरा। 13 मार्च 1910 को ब्रिटिश पुलिस ने सावरकर को पकड़ लिया और मोरिया जहाज से सावरकर को भारत लाया। 10 जुलाई 1910 को फ्रांस के मार्सिल्स बंदरगाह पर जहाज खड़ा था, तभी सावरकर शौच के बहाने समुद्र में कूदे और तैरते हुए तट पर पहुंच गए और तट पर खुद को फ्रांसीसी पुलिसकर्मियों के हवाले कर दिया। लेकिन पीछा कर रहे अंग्रेज सैनिकों ने उन्हें फ्रांसीसी पुलिस से अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि ये मुकदमा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग तक पहुंचा, जहां अंग्रेज शासन के खिलाफ षड्यंत्र रचने के आरोप पर आजीवन कारावास में और सावरकर की सारी संपत्ति भी जब्त कर ली गई। इतिहासकारों की माने तो सावरकर ने ब्रिटिश अभिलेखागारों का अध्ययन कर 1857 का स्वाधीन संग्राम नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। फिर इसे गुप्त रूप से छपने के लिए भारत भेजा गया, लेकिन ब्रिटिश शासन इस ग्रंथ के प्रकाशन की सूचना से ही थर्रा गया। 1857 का स्वाधीनता संग्राम ग्रंथ विश्व इतिहास में एकमात्र ग्रंथ था जिसे प्रकाशन से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया गया। प्रकाशक ने इस ग्रंथ को गुप्त रूप से पेरिस भेज दिया, लेकिन वहां भी ब्रिटिश गुप्तचर विभाग ने ग्रंथ को छपने नहीं दिया। आखिरकार 1909 में हॉलैंड से ये ग्रंथ प्रकाशित हुए। आज भी ये ग्रंथ 1857 के स्वाधीनता समर का विश्व स्तरीय ग्रंथ माना जाता है। उधर 1911 में सावरकर को एक और आजीवन कारावास मिला और सजा सुनाकर सावरकर को काला पानी भेज दिया गया। वहां इनके बड़े भाई गणेश सावरकर भी बंद थे। वहीं जेल में फिर सावरकर पर अत्याचार किया गया। कोल्हू में जूत कर तेल निकालना, नारियल कूटना, कोड़ों की मार, भूखे प्यासे रखना, कई दिन तक खड़ा रखना, हथकड़ी और बेड़ी में जकड़ने जैसी यातनाएं झेली। 1921 में सावरकर अंडमान से रत्नागिरी भेज दिए गए और 1937 में मुक्त होने के बाद सुभाष चंद्र बोस के साथ जुड़े। हालांकि 1947 में आजादी के बाद महात्मा गांधी की हत्या के झूठे मुकदमे में फंसाए गए, लेकिन इस मामले में सावरकर निर्दोष साबित हुए और अंत में 26 फरवरी 1966 को इस दुनिया से सावरकर विदा हुए। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और केंद्र सरकार सावरकर को महान क्रांतिकारियों में से एक मानती है, वहीं कांग्रेस उन्हें क्रांतिकारी का तमगा नहीं देती। ऐश्वर्य प्रधान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़।